हाय फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद और आप बने हैं मेरे साथ मेरे चैनल स्टार्स नर्सिंग पर। दोस्तों, CNA के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी है, जिसके अंडर महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में काम करते हैं या तो महाराष्ट्र स्टेट छोड़ के किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में आप काम कर रहे हो और आपके पास अगर महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, तो उसको रिन्यूअल कराने के लिए आपको जो है CNA हावर्स जो है उसको अटेंड करना ज़रूरी होगा। जैसे कि 2017 में महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ने CNA स्टार्ट किया था, लेकिन 2018 अप्रैल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से CNA को स्टॉप कर दिया गया था। उसी के बाद जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने भी CNA के बारे में कुछ नए अपडेट्स दिए, जिसके अंडर उन्होंने कहा कि 150 हावर्स जो है क्रेडिट हावर्स हर किसी के कम्प्लीट होने चाहिए। तो अदर स्टेट के लिए 150 हावर्स का जो क्राइटेरिया था, उसी तरीके से महाराष्ट्र के लिए भी 150 हावर्स विदिन अ 5 ईयर्स का क्राइटेरिया, यानी हर ईयर 30 क्रेडिट पॉइंट्स का क्राइटेरिया जो है वो कंपलसरी किया जा चुका है। अब इसमें से महाराष्ट्र के लिए अगर हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो पिछले 3 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं और अब हमें आने वाले सालों में कितने क्रेडिट हावर्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ नोट्स है, जिसके बारे में मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताना इतना ही है कि आपको क्रेडिट हावर्स जो है CNA के उसको लेना ज़रूरी है अगर आप अगली बार 2022 में अगर आपका महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से रिन्यूअल कराना चाहते हो। तो जल्दी मैं आपको नई वीडियो के साथ वापस हाजिर होऊंगा और नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो मेरे इस वीडियो में मेरे इस चैनल पे बने रहिए।